शमीम, एक ना बुरी खबर है। तुम्हारे लिए बुरी? इसका मतलब है हमारे लिए अच्छी होगी। बताओ बताओ। वो ना मेरी 10 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, तो मुझे अम्मी से मिलने जाना है। 10 दिन? आप परेशान ना हो, 10 दिन थोड़ी सी तो बात है। जैसी छुट्टियां खत्म होंगी मैं फौरन आ जाऊंगी। यही तो अफसोस है कि तुम 10 दिन में वापस आ जाओगी। 10 दिन में तो तुम्हारी माँ को तुम्हारा चेहरा भी नहीं सही तरह याद होगा, कम से कम 1.5-2 महीना तो लगाओ। मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और आपको साथ साथ मैसेजेस भी करती रहूंगी ताकि आपको मेरी कमी महसूस ना हो। मुझे तो तुम्हारी ज्यादा भी नहीं महसूस होती। जितनी एंग्री यंग मैन वाली लुक्स करवानी है ना करवा ले, जब मैं चली जाऊंगी ना तब पता चलेगा आपको। शुक्र है तुम जा तो रही हो, कम अज कम आप मेरी चीजें चोरी नहीं होंगी। चोरी का इल्जाम लगाने से पहले ये तो सोचना था, मैं तुम्हारी माँ नहीं लेकिन माँ जैसी तो हूँ ना। अच्छा यार तुम चुप करो, तुम बताओ क्या चोरी हुआ है? मेरी हेयर बैंड्स, मेरे ब्रेसलेट, मेरे पेंडेंट्स और हाँ जस्टिन बीबर वाली रिंग्स भी। उस लौकी के मुंह वाले की रिंग्स चुरा के मैंने क्या टप्पे लगाने थे? ये सारी चीजें ना लड़कियों वाली हैं। पापा आप चुराएंगे क्या? हो सकता है मुजम्मिल ने चुरा के चोर बाजार में बेच दी हो। मेरा बच्चा है, हम साहब का कबूतर नहीं है जो छत पे आ जाए जासूसी का इल्जाम लगा दोगी, आई समझ? वो चोर नहीं है। मुजम्मिल चोर! रुक जा। एक और कदम आगे बढ़ाया ना यही तुझे दबा दूंगा। बगैरत, शर्म नहीं आती अपने बाप के घर में चोरी करता है। पापा मैं तो कुछ चोरी नहीं किया। अच्छा, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, शराफत से बता कहाँ है मेरा तौलिया? तौलिया तौलिया, अच्छा तौलिया, वो तो मैं चोरी नहीं किया। अबे इतना अच्छा तौलिया था पूरी बाल्टी जज्ब कर लेता था। बता बता चोर बाजार में तुझे उसके कितने पैसे मिले? वही तौलिया जो उसे कोने से फटा हुआ था, उसके लिए तो कोई 100 रुपए भी नहीं देगा। तो तूने 90 रुपए में तौलिया बेच दिया? पापा 90 रुपए के फायदे के लिए मैं 100 रुपए खर्च करके इतनी दूर जाऊंगा? अबे तो फिर मेरा तौलिया कहाँ है? पापा मुझे क्या पता। अबे मेरी आइसक्रीम चोरी करता है। ठहर जा, तुझे मैं बताता हूँ। ठहर जा। कौन है वो बदबख्त जिसने मेरे सुहाग की चूड़ियां चुरा ली हैं? अब पता चला तुम्हें जब दिन दहाड़े तुम्हारे कमरे में डाका पड़ जाए? अच्छा तो तुम हो वो काली चोर जिसकी वजह से हमारी नींदें हराम हो गई हैं? जी नहीं, काली चोर तो वो तुम हो जिसकी वजह से हमारी नींदें हराम हुई हुई हैं। अच्छा मेरे सुहाग की चूड़ियां और वो मैं खुद चुराऊंगी, है ना? हाँ तो अब तो तुम्हारी चूड़ियां भी तुमसे आजिज आ चुकी हैं इसीलिए भाग गई। छूटी तो तुम हो, तुमने जाइम पे अपने सुहागनों वाला इंप्रेशन डालना होगा ना, इसलिए मेरी चीजें चुरा ली हैं तुमने। देखो रोजी जबाना संभाल कर बात करो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। और हाँ ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ कि तुम्हें भी अपना टीनेज वाला इंप्रेशन डालना होगा ना, इसलिए मेरी चीजें चुरा ली। मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसे अच्छे चोरा इंप्रेशन डालने की शमीम पर, शमीम तो ऑलरेडी मेरे हैं। जबरदस्ती ना मेरे पापा पे अपना हक मत जताओ। शमीम मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। अच्छा बस तुम्हारे कहने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ अच्छा एक भी नहीं, लोग हैं यार, तुम लोग यहाँ खड़े होकर शोर क्यों मचा रहे हो? चलो अंदर चलो। नहीं तो बोल क्यों रही है ये? अच्छा काम डाउन बोथ ऑफ यू, ओके चलो अंदर चलो। ऐसे कैसे, आप भी जता कैसे सकती है ये? अबे आहिस्ता बोलो, तुम आहिस्ता बोलो, तुम आहिस्ता बोलो, क्या कर रही हो? मोहल्ला ये क्या हो गया? अब क्या बोलेगी ये? अच्छा बताओ तुम्हारा क्या चोरी हुआ? हेयर बैंड्स, ब्रेसलेट, पेंडेंट्स, जस्टिन बीबर की रिंग्स। और तुम्हारा क्या चोरी हुआ रोजी? आपके नाम की चोरियां थी शमीम। फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ। पापा पापा आपको पता है मेरे होमवर्क की कॉपी सारी गुम हो गई हैं। अच्छा तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं डेस्क पे कॉपियां पड़ी थी, जैसे मैं यूं मर रहा हूं गायब। मुजम्मिल यहाँ हम सब की चीजें चोरी हो रही है और आप यहाँ के हमें तंग ना करें क्योंकि हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितनी चीजें चोरी हुई और क्यों चोरी हुई हैं। सबकी चीजें चोरी हो गई हैं, क्या मेरी नहीं हो सकती? हम तीनों की चीजें चोरी हुई हैं, इससे हमें नुकसान हुआ है। तुम्हारी चीज चोरी हुई है और इससे तुम्हें फायदा हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है किसी ने अपनी चोरी सच साबित करने के लिए तुम्हारी कॉपीज भी चुरा ली होंगी।
देखा आपने, देखा किस तरह आपकी आंखों के सामने मुझ पे इल्जाम लगा रही है ये। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ तो देखिए पापा मेरी जबान काली हो रही है। मैंने भी तुम्हारा सामान चोरी नहीं किया है, चाहे तो आप फाल निकलवा ले। फाल निकलवाने से क्या होता है, जबान चेक करवाओ ना अपनी अगर सच्ची हो। जबान चेक कराने से कुछ नहीं होता, फाल होता है असल तरीका चोर को पकड़ने का। अरे फाल तो तुक्का होता है, इसमें तो चीटिंग भी हो सकती है, चोर अपना नाम ही ना डाले। चलो जाओ जाओ। चलो चलो, जबान तो सबकी पिंक होती है और जिसकी कुदरती ब्लैक हो वो क्या हमेशा से झूठ बोलता है। जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अपनी बकवास अपने पास रखा करो। अबे चुप, ना जबान निकलेगी और ना फाल निकलेगा। हम एक टैरो कार्ड रीडर को यहां बुलाने वाले हैं और वो सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। मैं देख रही हूं एक पतला सा हाथ तोलिए की तरफ बढ़ रहा है। उस हाथ पे मुंह किसका लगा ये मुझे बता दे, मैं उसका मुंह उस तौलिए से ही तोड़ दूंगा। क्या हुआ? सब गायब हो गया। इस घर के ऊपर नहुसत के काले बादल गहरे गहरे से चारों तरफ छाए हुए हैं। इस घर से नहुसत दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कुर्बानी। देखिए जी, मैं अभी कोई इतना बकरे का खर्चा नहीं कर सकता, किसी चूजे की कुर्बानी करवा ले वो ठीक है। नहीं, बकरे की नहीं, जात की कुर्बानी, ख्वाहिश की कुर्बानी। ए लड़की, तू इस आदमी से प्यार करती है? इनको तो देख के मेरे दिल ने गवाही दे दी थी कि बहुत पहुंची हुई चीज है। हाँ शमीम, याद रख लड़की, जब तक मेरा चिल्ला मुकम्मल नहीं हो जाता तू अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। दूर रहना इस आदमी से, बहुत दूर, वरना। समझ गई, आप फिक्र ना करें, मैं इस कांटों की सेज पर सोने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे शमीम को कुछ ना हो। और तुम लड़की, तुम्हारे बालों पर साया है, बहुत गहरा साया, जब जब तुम शीशा देखोगी कंघी करोगी ये साया गहरा होता जाएगा। तो नो शीशा नो कंघी। शमीम, मैं तुम्हें चीजों की लिस्ट दे रही हूं, फौरन जाके ले आओ। और याद रखना, 2 रुपए बचाने के लिए अपना घर मत बर्बाद करना। आंटी आंटी, नहुसत का साया मेरे पढ़ाई पे भी लग रहा है, मेरे होमवर्क की कॉपियां गुम हो गई हैं। लिखता रहे, पढ़ता रहे, जब तक मैं चिल्ला काट रही हूं तेरा हाथ नहीं रुकना चाहिए। याद रखना, अगर हाथ रुका तो। सफेद दाल लेकर आओ। काली मिर्च लेकर आओ। चने की दाल लेकर आओ। मूंग की दाल लेकर आओ। लोबिया की दाल लेकर आओ। सात रंग के बाल लेकर आओ। ऐसे कैसे आप जा सकती हैं? अभी तक तो एक चीज भी नहीं मिली। मैं चिल्ला काटने आई थी, चीप मैजिक ट्रिक दिखाने में, कि एक हाथ में पेंसिल रखी और दूसरे से गायब हो गई। देखिए, आपने खुद कहा था कि जब चिल्ला कट जाएगा सब चीजें खुद ब खुद ही मिल जाएंगी।
तुम्हारी आंखों के ऊपर अभी तक नहुसत का साया है, जिसको जाने में 7 दिन लगेंगे और 7 दिन के बाद तुम्हें हर चीज साफ नजर आने लगेगी। और जिस जिस को मैंने जो जो कहा है वो 7 दिन तक वही करता रहे, सब ठीक हो जाएगा। देखिए मेरी बात तो सुने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ये 7 दिन वाला टोटका क्या है। एक आप कहां जा रही है? एक मिनट। पापा प्लीज, और मैं कैसे लिखूं? ये उंगलियां चलने से इनकार कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। नहीं लिखा जा रहा ना, किसने कहा था कि आंटी से जाके खुद अपनी सजा लिखवाओ? अब तो लिखना ही पड़ेगा जब तक असल कॉपियां नहीं मिल जाती। पापा मुझे लगता है चिल्ले के असर हो गए, मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है कि कॉपियां कहां पड़ी थी। यूं करो बाबा के 2000 वर्ड का एसे लिख लो, सब याद आ जाएगा। एक मिनट, मुझे याद आ गया, कॉपी अलमारी के अंदर रखी है, लेकिन मुझे ये नहीं याद नहीं आ रहा कहाँ रखा है मैंने। 4000 वर्ड का ऐसे लिख लेते हैं बाबा। अरे यार आया, अलमारियों के कपड़े के पीछे रखी है कॉपियां, मैं अभी लेके आया। अबे चोर, मैं जानता हूँ मेरा तौलिया तू नहीं चोरी किया। अरे पापा यार, जैनब ने बचा लिया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं बाबा। पापा तो मेरा नाम है। अबे तुम्हारा नाम क्या है? मैं जैनब हूँ पापा। अच्छा, मैं समझा कि चिल्ले के मारे कुछ चुड़ैल बाहर आ गई है। मेरे सबर का इम्तिहान लेने के बजाय मेरी परेशानी का हल बताएं। भाई मुझे क्या कह रही हो, मेरे तो खुद तौलिया कुछ जिन का बच्चा चोरी कर गया। मुझे तो पूरा शक है कि वो नहा रहा होगा उससे भी और अपने आपको खुश कर रहा होगा। इतना बड़ा तौलिया किसके काम आ सकता है यार। इस निकम्मी ड्रेसिंग टेबल को ना घर से बाहर निकाल दें, मुझे नहीं बर्दाश्त करना इसका बोझ। आओ मिलके करते हैं, चलो लगाओ। ओए एक मिनट, हिल भी नहीं रही है ये। मेरा हेयरबैंड, मेरी जस्टिन बीबर वाली रिंग्स, मेरा नेकलेस। एक मिनट, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मेरा तौलिया अभी तक नहीं मिला ही, समझ? मिला बचा मैं घर वालों पर शक करेंगे। आपका तौलिया बाहर सूख रहा होगा, तो पहले बताती ना यार। अच्छा पापा एक सेकेंड, ये चूड़ियां ले जाइएगा रोजी की। रोजी की चूड़ियां तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? वो मुझे लगा कि उसने मेरी चीजें चोरी कर ली हैं, तो मैंने उसकी चूड़ियां चोरी कर ली तो मिल गई ना। एक मिनट, मुजम्मिल ने अपनी कॉपी खुद चोरी की, तुम्हारी चीजें पीछे गिरी थी मगर तुम समझी कि रोजी ने तुम्हारी चोरी की है इसलिए तुमने उसकी चीजें चोरी की। इसका मतलब है मेरा तौलिया। मुझे पता था चोर तुम। दो चोर। मैं चोर नहीं हूं, जितना हक आपको आपकी चीजों पर है उतना मुझे भी है। अबे तूने चोरी करना था कुछ और चोरी कर लेती, मेरी शर्ट चोरी कर लेती, पैंट कर लेती, मेरे जूते चोरी कर लेती, एक मेरा नन्ना मुन्ना तौलिया ही तुझे मिला, ज़ालिम औरत। आपको रहम आया था जब आपने मेरा दिल चुराया था? हा? अबे बस कर ये ड्रामे, बस कर। अगर मेरे तेरे तौलिये पे नेल पॉलिश के निशान, तुमने मेरा तौलिया यूज किया है ना, कौन ये? अब देखें तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या होता है। अगर रोकना ही था तो वैसे बोल देते, दिल चुरा लिया, मोहब्बत करनी आ गई, लेकिन इजहार करना नहीं आया आपको। नहीं। अबे 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 मेरा मकसद तुम्हें रोकना नहीं था। अब रोजी तौलिया ले लो।
देख के उल्टा ही पड़ गया।